हैं, एक रियाल की रोटी। देखो एक रियाल में कितनी है, 2, 4, 6, 7 रोटी हैं एक रियाल की। ये महंगा है पूरा। वो कितनी खजूर है। ये ड्राइवर का रूम बना है छोटा सारा, अभी नया घर बन रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान, मैं हूँ इस टाइम सऊदी अरेबिया में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर का काम करते हैं। तो दोस्तों अभी 2 दिन की छुट्टी थी, जुमा और शनिचर। तो दोस्तों ये 2 दिन हाउस ड्राइवर को दोस्तों बहुत ही ड्यूटी समझ लो होती है। जो दो दिन हाउस ड्राइवर की छुट्टी नहीं रहती है, लेकिन उस दिन ड्यूटी बहुत रहती है। तो अभी मैडम का फ़ोन आ गया है, बोला जो है गाड़ी स्टार्ट करो और वो जाएगी अपनी माँ के यहाँ। तो चल रहे हैं और अब उधर से आएगी बहुत रात में, समझ लो 10-11 बज जाएगा आज रात में। तो चल रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बहुत से लोग जो होते हैं ले कर के जाते हैं रात में, लेकिन खाना वगैरह भी नहीं देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैडम जो है अगर लेके जाती है 10-11 बज जाता है तो खाना वगैरह देती है, या तो पैसे दे के जाएगी खा लेना। बहुत से ड्राइवर जो हैं बेचारे ड्यूटी करते हैं लेकिन खाना वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है खाना वगैरह दोस्तों मिल जाता है। ये 2 दिन दोस्तों बहुत ड्यूटी रहती है ड्राइवर के, सबसे 2 दिन, ये 2 दिन समझ लो बहुत कर रही ड्यूटी रहती है। जुमा शनिचर 2 दिन छुट्टी रहती है, लोग दो मदरसे जो हैं 2 दिन बंद रहते हैं, तो ये 2 दिन खूब घूमते हैं। तो ड्राइवरों की तो ज़िंदगी काली रहती है 2 दिन की, और गए कहीं 10-12 दिन की छुट्टी पड़ गई तो बस समझ लो। तो चल रहे हैं आपको दिखाएंगे, ये इसकी माँ का घर है, क्या नाम है, यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर दूर एक गाँव में। तो वो भी आपको दिखाएंगे, गाँव का नाम है वादी बिन अजबल। काफ़ी अच्छा है गांव, मतलब इतना आउट एरिया भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो आपको दिखाएंगे, बने रहना मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो फाइनली मैडम को उतार दिया उसकी माँ के यहाँ। तो दोस्तों उसकी माँ के घर में एक मस्जिद है बहुत छोटी सारी, तो आपको दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों गांव की मस्जिद, ये लोग घर के अंदर ही दोस्तों मस्जिद बना लेते हैं देखो। और इसकी माँ का घर देखो, एक ये भी है, भी दिखा रहे हैं। ये देखो दोस्तों एक ये घर बन रहा है मेरी मैडम की माँ का, इसमें ड्राइवर का रूम भी बनाया है। ये देखो दोस्तों ड्राइवर का रूम भी बना हुआ है, ये ड्राइवर का रूम बना है छोटा सारा, अभी नया घर बन रहा है। तो देखो पूरा गांव है, जंगली जंगल। आज आपको दिखाएंगे सऊदी अरब का गांव, ये कहलाता है वादी बिन अजबल दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों एक नींबू का पेड़ हम आते हैं है, बहुत ढेर सारी नींबू लगे हुए लेकिन कोई तोड़ता ही नहीं है। तो आपको दिखा रहे हैं ये जंगल में एक नींबू का पेड़, देखो देखो ये लगा हुआ है। तो कितने नींबू लगे हुए, ये कितने नींबू लगे हुए हैं, बड़े बड़े पीले पीले कतई, कोई तोड़ता ही नहीं है दोस्तों। इसमें से दोस्तों हमने तीन चार नींबू एक दिन तोड़े थे, अभी भी रखे हुए हैं। घर लेकर के गए थे रूम पे, उसका चटनी बनाई थी और सलाद बनाई थी। तो बस चल आज आपको दिखाएंगे, बने रहना मेरे ब्लॉग में, आपको गांव दिखाते हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, यह है सऊदी अरब का गाँव, और घर देखिए इस तरह के घर होते हैं गाँवों में। ये देखो कैसे घर बने हुए हैं, यह है सऊदी अरब का गांव। तो चलो आपको दिखाते हैं, और यहाँ पे मार्केट भी है एक गांव की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखो आसपास अरबी लोगों के घर इस तरह के बने होते हैं गांवों में, कितनी कितनी दूर पे घर बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा घर आपको सेम नज़र आएंगे। तो ये पूरा गांव है दोस्तों। जब हम पहली मर्तबा दोस्तों सऊदी अरब आए थे तो यहीं आए थे दोस्तों, इसी गांव में, मेरे कफिल ने इसी गांव में मुझे रखा था।
देखो आसपास आपको कोई भी दोस्तों नज़र नहीं आएगा। गांव की एक मस्जिद भी दिखा रहे हैं, देखो कितनी छोटी सारी मस्जिद है ये। देखो ये है गांव की मस्जिद। है दोस्तों, ये है गांव की मस्जिद। इसमें हम पहले नमाज़ पढ़ा करते थे। तो अभी आपको जो है मार्केट भी दिखाएंगे। यहाँ पर गांव में मार्केट भी लगती है, जहाँ पे सब्ज़ी वगैरह ये सब कुछ दोस्तों आपको मिलेगा। देखो पुराने ज़माने कितनी पुरानी गाड़ी, ये सामान ढोने के लिए काम में आती है। ये देखो पुरानी से पुरानी गाड़ी आपको मिल जाएगी गाँवों में। ये देखो ये ज़्यादातर सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए ये लोग रखते हैं। ये देखो कितनी पुरानी गाड़ी है। है दोस्तों नंबर प्लेट भी नहीं है, पुरानी कितने ज़माने की पुरानी गाड़ी है। तो अभी मार्केट भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सब्ज़ी वगैरह ये सब कुछ दोस्तों मिलता है यहाँ पर। ये है दोस्तों मार्केट यहाँ पर की, यहाँ पर सब्ज़ी की दुकानें वगैरह रहती हैं। ये देखो ये यहाँ पर सब्ज़ी की दुकानें वगैरह, हर सामान दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। लोग गांव-गांव से, लोग दूर दूर से यहीं पर लेते हैं आकर के। देखो इस तरह की मार्केट होती है। और वो देखो खजूर वगैरह भी बिक रही है यहाँ पर। ये देखो दोस्तों टमाटर बिक रहे हैं। ये देखो दोस्तों खजूर वगैरह भी बिक रही है। ये देखो है, ये देखो खजूरें मिल रही हैं। इस तरह की खजूर मिलती है। देखो लोग लगा के गाड़ी में लगा के बेचते हैं खजूरें दोस्तों। हर तरह की खजूर मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सदी खादा कम किलो खादा किलो कम अनबायदा के अशरत अली जी अशरत अशाना सोवाग अबस्ताशना आशान मौजूद अशरत शो भाई जी अशाना सोवा खाजाना माफी रातिफ ज्यादा अना अखिल सुवा ले जनाब आना ना फिर मिस्किन आना अल मितन रातिफ अल्लाह भाई जी भाई जी अशरत अली ने मौजूद भाई जी दोस्तों अशरा रियाल बोले 10 रियाल में नहीं आएगी। अच्छा मौजूद अशरा रियाल माई जी अशरा रियाल माई जी अशरा रियाल मौजूद है ना। तो बोले 10 रियाल में नहीं देगा जी। देखो कितनी खजूर बिक रही है। तो चलो है, उन्हें दिया नहीं बोलता, 15 रियाल में देंगे। तो दोस्तों 15 रियाल में ले लिए, 15 रियाल का 1 किलो, 50 रियाल का है। सदी हर एक हम सदी ये महंगा है पूरा। तो वो कितनी खजूर है ये 15 रियाल किलो खजूर ले लिए, 15 रियाल के लिए। खजूर ठीक है, खाने में अच्छी है। तो सुबह में हमने सोचा सुबह में खाने के लिए बहुत फ़ायदा करती है दोस्तों। सुबह में नहार मुंह पर खाने के लिए या सोते टाइम खाने के लिए। तो दोस्तों हम तो मिल्क शेक बनाते हैं केला वगैरह डाल के, तो इसीलिए ले ली हमने 15 रुपया की 1 किलो। अच्छी खजूर है, बड़ी बड़ी है, दाल भी है, खाने में भी अच्छी है। तो गाँव में आओ तो ये सब चीज़ें दोस्तों सस्ती मिल जाती हैं। खजूर वगैरह है और सब्ज़ी वगैरह है यहाँ पर, ये सब सामान बहुत सस्ता मिल जाता है। टमाटर अगर कुछ लेना हो 2 रियाल 3 रियाल बहुत सस्ता सामान दोस्तों मिल जाता है। तो खजूर मेरे पास थी भी नहीं, मुझे लाने को भी थे, तो हमने सोचा चलो ले दी जाए खजूर। तो देख सकते हैं इस तरह का गांव है, बिल्कुल जंगल टाइप में दोस्तों। एक गांव में एक सुपरमार्केट भी है, बहुत बड़ी सारी बनी हुई। तो अभी चल रहे हैं अंदर, देखते हैं कुछ सामान वगैरह मिल जाता है यहां पर। टमाटर वगैरह दोस्तों सस्ते मिल जाते हैं,
तो अभी चल रहे हैं, देखते हैं अगर कुछ सामान सस्ता मिल जाता है तो ले लेते हैं यहाँ से। अंदर चल रहे हैं फिर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अंदर सुपरमार्केट में कुछ सस्ता नहीं है। टमाटर 6 रियाल में, मेरी तरफ तो 3 ही रियाल में टमाटर मिलते हैं। ये देखो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक वगैरह लगी हुई है यहाँ पर, आइसक्रीम, ये देखो हर तरह की आइसक्रीमें वगैरह रखी हुई हैं। रोटी दोस्तों आज हम आपको दिखाते हैं 1 रियाल की रोटी। देखो 1 रियाल में कितनी है, 2, 4, 6, 7 रोटी हैं 1 रियाल की। यहाँ पे सबसे सस्ता रोटी है दोस्तों, आज तक रोटी के ऊपर प्राइस नहीं बढ़ा है। ये देखो बड़ी रोटी लोगे तो 4 रोटी मिल जाएंगे, छोटी छोटी लोगे तो 7 रोटी मिल जाएंगे। देखो हर तरह की रोटी दोस्तों मिल जाएगी। और ये बंद वगैरह हैं, ये देखो, ये देखो दोस्तों 1 रियाल की रोटी है, कितनी 7 रोटी हैं इसके अंदर, इतनी बड़ी बड़ी कभी गरम गरम रोटी है। यहाँ पर हर चीज़ महंगी हुई है लेकिन रोटी के ऊपर आज भी प्राइस वही सही है। देखो जो कितने का है, 8 रियाल का, इसको शाबूरा बोलते हैं। ये 1 रियाल का है, ये पहले हमने एक लिया था 1 रियाल का है, ये ले ले रहे हैं। पता नहीं 1 रियाल का कितने का है, पूछ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखो शक्कर वगैरह भी मिल रही है, कितने बड़े बड़े शक्कर के बोरे हैं। ये देखो 10 किलो के 5 किलो के कट्टे रखे हुए हैं। और ये सब चावल है दोस्तों, अपने इंडिया का ही चावल है। ये देखो 5 किलो के 10 किलो के कितना चावल है दोस्तों, ये अच्छा चावल होता है आलिया का, अपने इंडियन चावल है दोस्तों जितना भी है दोस्तों। ये देखो वलीमा चावल, अपने इंडिया का चावल, ये सारा दोस्तों अपने इंडिया का चावल है। 10 किलो का बोरे वगैरह लगे हुए हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। ये देखो पूरा चावल है दोस्तों, पूरा चावल ही चावल है। बहुत बड़ी सुपरमार्केट है दोस्तों गांव में जे। हर सामान दोस्तों यहां पर जो है मिल जाएगा आपको। दोस्तों 2 दिन मदरसा बंद रहता है, जुमा सनीचर ड्राइवर की बहुत मरण रहती है, बहुत काम रहता है। तो अभी मैडम को लेकर के आए उसकी माँ के यहाँ गांव में। अब देखो यहाँ से कितनी रात में दोस्तों निकले, 10-11 तो दोस्तों बज ही जाता है। तो अभी अजान भी होने वाली है मगरिब की, तो पढ़ लेते हैं नमाज, आपको दिखाते हैं मस्जिद। ये देखो दोस्तों मस्जिद है यहाँ की, बहुत बड़ी मस्जिद है, देखो दूर से आपको दिखाएँगे। आपको मस्जिद दिखाएँगे, यहीं मगरिब की नमाज पढ़ेंगे दोस्तों, मगरिब और ईशा की। अभी आपको दिखाते हैं दूर से दिखेगी, ये देखो मस्जिद कितनी खूबसूरत मस्जिद है गांव की, ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है गांव की। अभी आपको अंदर से भी दिखाएंगे, बाहर से तो इस तरह की है गांव की मस्जिद, देखो। तो अभी जो है आपको अंदर लेकर करके चलेंगे, अंदर भी बहुत खूबसूरत। ये देखो दोस्तों गांव की कितनी खूबसूरत मस्जिद है, अजान सुनो मगरिब की।
दोस्तों चल रहे हैं, वजू कर लेते हैं, अजान हो गई है, ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों आपसे मिलते हैं। पर आ गए हैं तो अभी हम आपको बताएंगे कितने बजे हम आए हैं। अभी क्या टाइम हुआ है, अभी टाइम हुआ है 10:50, समझ लो 11 बजे दोस्तों हम आए हैं, 3 बजे के दोस्तों गए हुए थे तो 11 बजे आए, तो समझ लो कितने घंटे ड्यूटी थी। और खाना वगैरह भी नहीं पूछते हैं ये लोग दोस्तों। 3 दिन जो है बहुत ही ड्यूटी रहती है, जुमरा जुमा सनीचर हाउस ड्राइवर में ये 3 दिन बहुत काम रहता है, समझ लो दिन भर काम रहता है, फिर बाद में असर के बाद में ये लोग घूमने निकल जाते हैं, 11 बज जाता है। और दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग हाउस ड्राइवर का काम करते हो तो दोस्तों जो है ठंडी शुरू हो चुकी है, अभी ठंड होने लगी है, बाहर बहुत हवा चल रही है, तो इसीलिए अगर आप लोग की भी ड्यूटी रात में ज़्यादा कर लगती है तो हाउस ड्राइवर में क्या होता है दोस्तों, किसी टाइम भी ड्यूटी लग सकती है, तो आप जो है जाकेट जो है अपनी गाड़ी के अंदर ही रखें एक जाकेट, क्योंकि अभी बहुत ठंडी होने लगी है, बाहर हवा बहुत चलने लगी है दोस्तों। जब से 3 बजे से गए हैं तो गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, जहाँ मेरी मैडम की माँ का घर है तो बहुत ठंडी लग रही थी, जाकेट लेके नहीं गए थे, लेकिन अब दोस्तों जो है जाकेट लेके जाना पड़ेगा। तो खाना जो मेरा बना हुआ है तो अभी जो है खाना गर्म कर लेते हैं और चिकन फ्राई कर लेते हैं। तो रोटी तो दोस्तों हम लेके आ ही गए हैं, ये देखो 1 रियाल की 4 रोटी मिली है, तो ये रोटी ले ली है। तो अभी जो है खाना जो है गर्म कर लेते हैं, इधर से गैस ऑन कर देते हैं और खाना गर्म कर लेते हैं, खा लेते हैं, फिर उसके बाद में सो जाएंगे। चिकन इधर हमने मैरिनेट करके रख दिया था, ये देखो चिकन इसमें रखा हुआ है, ये भी फ्राई कर लेंगे, ये देखो मैरिनेट करके रखा था चिकन। और थोड़ी सी ये सलाद बना लेंगे, मूली वगैरह है, खीरा भी है, तो एक मूली और एक खीरे का बना लेंगे, इसकी सलाद कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना, पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बस मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।